हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बताने वाले हैं आप मीशो ऐप से आपने कोई भी ऑर्डर किया था तो वो गलत आ गया, आप उसको रिटर्न करना चाहते हो या फिर वापसी करना चाहते हो या आपको उसके बदले दूसरा कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसको आप कैसे चेंज कर पाओगे या फिर आपको उसके केवल आपको पैसे चाहिए तो किस तरह से आप यहाँ पर पैसे ले पाओगे, तो कि इस वीडियो में आपको हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। और वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, आपको अपने मीशो ऐप को ओपन कर लेना होगा और ओपन करने के बाद आपको बताते हैं इसमें क्या क्या इसमें सेटिंग करनी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, स्किप करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप फिर कहोगे हमारे में ये सेट नहीं हो पाया, मेरा प्रोडक्ट जो भी था वो रिटर्न नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे जो हम अपने मीशो ऐप को ओपन कर लेते हैं। मीशो ऐप को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर गैस आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसको आपको रिटर्न करना है और उसके बदले आपको कैश चाहिए वापस अपना। ओके, तो यहाँ पे जो है उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिए। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको दिख जाता है कि आपका ऑर्डर किस दिन जो है आपका डिलीवर हो चुका है और यहाँ पर आपको रिटर्न का ऑप्शन मिलता है नीचे की साइड में। यहाँ पर ये टाइम दिया जाएगा कितनी तारीख तक। ओके, यहाँ पर हमारा देखिए 24 तारीख तक जो है हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, इसके बाद जो है इस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको नीचे की साइड में दिख रहा होगा रिटर्न का। ओके, रिटर्न एक्सचेंज ऑफ ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर जो है हम इसको पर क्लिक करते हैं। इसको पर क्लिक करने के बाद जो है और यहाँ पर जो है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद जो है आपको इसमें फिर क्या करना है सेटिंग वो भी आपको बता दें। यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पर आपको सारी कंडीशन दिखा देगा, आप किस वजह से इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 6 ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे सेलेक्ट करने के बाद इसमें से आपको इन तीनों में से किसी को एक सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जब भी आपका जो भी ऑर्डर है वो रिटर्न हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमने इस पर सेलेक्ट कर लिया और इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिटर्न करना चाहते हैं या फिर एक्सचेंज करना चाहते हैं। रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न पर क्लिक कीजिए या फिर एक्सचेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इस प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। ओके, जो आपकी मर्ज़ी, आपको अपना रिटर्न करना है तो रिटर्न कर सकते हैं और एक्सचेंज करना है आपको अपना ऑर्डर, जो भी आपका ऑर्डर था उसको आप एक्सचेंज करना चाहते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको चेंज एड्रेस का मिल जाता है, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है नीचे की साइड में सबमिट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे जो हम इस पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको UPI ID मिल जाती है और बैंक ट्रांसफ़र आप अपना UPI ID में चाहते हैं तो UPI ID अपने सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना बैंक ट्रांसफ़र बैंक में चाहते हैं तो बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता जैसे इसमें UPI ID कैसे ऐड की जाती है या फिर आपने कैश ऑन डिलीवरी की थी और आपको नहीं पता इसमें कैसे आपका अकाउंट ऐड होता है या फिर आपको वो भी आपको इसमें बता देते हैं कि किस तरह से कर पाओगे। आप जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जो भी आप अपने फ़ोन में चलाते हो उसमें आपको एक UPI ID दी जाती है, वो भी आपको दिखा देते हैं कहाँ पे आपको मिलती है और कहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र में भी आप करना चाहो तो अपना आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको देना होगा और बैंक अकाउंट नंबर देने के बाद जो है आपके पैसे जो हैं 2-4 दिन के अंदर इसमें जो है आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे बिल्कुल। ओके, यहाँ पे जो है हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको UPI ID अपडेट ओके यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको UPI ID कहाँ से मिलेगी, आप अपना फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी हो वो यहाँ पे उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप अपनी देखें कि आपके कहाँ पे UPI ID शो कर रहा है, आपके जैसे कि गूगल पे है तो गूगल पे और फ़ोनपे यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे फ़ोनपे में तो यहीं पे मिल जाती है, पेटीएम में भी मिल जाती है और गूगल में भी मिल जाती है। ओके, यहाँ पे आपको UPI ID मिल जाती है, इसको आप कॉपी करके और यहाँ पे जो है अपनी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तीनों की आपको दिखा दी है UPI ID यहाँ पे मिलती है तो इसको आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको इसको सबमिट कर देना होगा। ओके, और सबमिट करने के बाद जो है आपकी जो भी यहाँ पे रिटर्न आएगा वो आपको जो है मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे अपना बैंक अकाउंट डालना है तो बैंक अकाउंट IFSC कोड और आप बैंक आपका जो नाम है वो नाम और अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर करके आपको सबमिट कर देना। ओके, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका जो भी ऑर्डर है जितने रुपये का है वो उतने रुपये जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, या फिर आपकी जो भी UPI ID थी और UPI ID आपने सेलेक्ट की है तो आपकी UPI ID में
उतने रुपए आ जाएंगे, जितने भी रुपए हों 200 250 500 जितने का प्रोडक्ट हो उतने रुपए आ जाएंगे। ओके, और आपने जैसे अपना एक्सचेंज करा तो आप उसके बदले प्रोडक्ट अपना जो भी आपका प्रोडक्ट था उसको एक्सचेंज करना चाहते हो तो आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही हो, आप जैसे नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर देने की या फिर आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक वीडियो मिलती रहेंगी आपको असलम क्रिएटर चैनल पर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।